A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11 accountancy, and our today's topic is recording in general. In the last video, we already discussed the very important topic, that is recording in general. हम लोगों ने last video में भी यही discuss किया था कि recording in general, generals में कैसे transaction को record करते हैं. Basically, transactions को record करने के लिए we follow the two important rules of generalizing, that is the traditional rules and modern rule of generalizing. Point number one. Number two, in the last video we already discussed the journal entries related to the goods. You know very well ki jab bhi businessman goods ko purchase karta hai, when he purchased the goods, sold the goods, returned the purchased goods and return of the sale goods, तो उस कंडीशन में हम परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट को ओपन करते हैं. उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फिर प्रॉपरली देखा है, और परचेज के साथ साथ हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को डिस्कस किया है, जैसे कि व्हेन वी विड्रॉ द गुड्स फॉर पर्सनली, सो इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज. व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूटेड द गुड्स एज अ फ्री सैंपल, सो इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज. And when we distribute the goods as a charity, यानी जब हम charity के form में goods को provide कर देते हैं, तो उस situation में हम entry क्या बात करते हैं, purchase account debit to, sorry, charity account debit to purchase. So हम लोगों ने last video में generally दो बातों पे ज़्यादा focus किया था. वो पहली बात थी, that is what are the rules of generalizing, and number two, what are the entries related to the goods. क्योंकि गुड्स के केसेस में कई ट्रांजेक्शन होते हैं. हम गुड्स को परचेस करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, गुड्स को रिटर्न करते हैं. जो गुड्स सेल करते हैं वो रिटर्न हो जाता है. गुड्स को हम विड्रॉइंग करते हैं, गुड्स को हम चैरिटी के फॉर्म में देते हैं, और गुड्स को हम लोग सैंपल के फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं. नाउ टुडे वी विल मूव टू द सम ऑफ द स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज. सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपरली. एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि वॉट इज जनरल. अगर आपको याद होगा, अगर आपने वीडियोस बहुत ही अच्छे से देखा होगा, तो यू नो वेरी वेल कि लास्ट वीडियो में उन्होंने डिस्कस ये भी किया था कि व्हाट इज जनरल्स, व्हाट इज जनरलाइजिंग एंड व्हाट इज जनरल एंट्री. जनरल इज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जनरल एक ओरिजिनल एंट्री की बुक होती है जहां पे हम ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, यानी डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी जनरल में कि जनरल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग कहते हैं. नंबर थ्री, जनरल में जो भी एंट्रीज पास होती हैं, जिस जैसे हम डेबिट और कुछ चीज़ों को क्रिएट करके जनरल एंट्री पास करते हैं, तो दिस इज नोन एज अ जनरल एंट्री. यानी जनरल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के टर्म्स में, एंड इट विल बी नोन एज अ जनरल एंट्री. आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक जनरल एंट्रीज की. सो लेट्स बी मूव टू द टूडेज टॉपिक. सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी, दैट इज स्पेसिफिक जनरल एंट्रीज. सो वॉट आर द स्पेसिफिक जनरल एंट्रीज, सो प्लीज नोट डाउन योर कॉपी. द फर्स्ट स्पेसिफिक जनरल एंट्री इज बैड डेब्ट्स. तो मैं एंट्रीज के साथ साथ इनका इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा. वॉट इज बैड डेब्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. जब भी बैड डेब्ट्स होता है बेसिकली, तो बैड डेब्ट्स की क्या एंट्री होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में होगा, सर व्हाट इज बैड डेब्ट्स? तो सिंपल, इन सिंपल वे वी कैन से दैट बैड डेब्ट्स मींस अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर. यानी कोई भी अमाउंट जो कि डेटर से रियलाइज नहीं हो सकती, जो डेटर से हम रियलाइज नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स. यानी नेम बहुत ही क्लियर है, बैड डेब्ट्स. बैड मतलब जो डूब गया, डेब्ट्स मतलब जो मैंने उधार दिया था. समथिंग मैंने किसी को 10,000 रुपीज का लोन दिया हुआ था, और वो लोन का जो पैसा है वो अभी तक मुझे, जो मैंने किसी को लोन दिया था वो पैसा अभी हमको मिला नहीं है. सो दिस इज नोन एज द बैड डेब्ट्स. ओके,
ओके, सो व्हाट इज बैड डेब्ट्स? एनी अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर, यानी डेटर को अगर हम कुछ पैसा दिए वो पैसा हमको नहीं मिला, इट इज नोन एज द बैड डेब्ट्स। सो इसकी जर्न एंट्री क्या पास होती है? द एंट्री विल बी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ओके, सिंपल एंट्री इज बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करूं, मिस्टर राम हु ओन्ड ₹10,000, हु ओड ₹10,000 फ्रॉम अस, फ्रॉम मी, वॉट एवर, यानी मिस्टर राम जिसने मुझसे क्या लिया था, ₹10,000 का लोन लिया हुआ था, मुझसे पैसा लिया हुआ था, बिकम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड रिकवर्ड ओनली 60 पैसे फ्रॉम हिज स्टेट, यानी राम जिसने मुझसे ₹10,000 लिया था वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे मुझे कितना रुपए रिकवर्ड हुआ? सिर्फ 60 पैसे रिकवर हुआ, यानी 40 पैसे रिकवर नहीं हुए, यानी 60 पैसे मुझे मिल गए 1 रुपए में और 40 पैसे नहीं मिले, तो जितने नहीं मिले विच इज नोन एज द बैड डेब्ट्स। सो हमें गिवर कौन है? राम। तो एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी पहले बेसिकली समझ लो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम। राम को कितना पैसा देना था? 10,000। कितना पैसा उससे रिकवर हो गया? 60 पैसे। 60 पैसे मीन 60%, याद रखना, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते, 100 पैसे में से 60 पैसे मिल गए, इट मीन 60% हमें रिसीव हो गया, 40% हमें रिसीव नहीं हुआ। तो 10,000 का 60% आपको रिसीव हो गया, 40% रिसीव नहीं हुआ। सो दिस इज अ बेसिक एंट्री विच आर रिलेटेड टू द बैड डेब्ट्स। ओके, द नंबर सेकेंड पार्ट इज, नंबर सेकेंड एंट्री विल बी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। द नंबर सेकेंड विल बी अ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके, व्हाट इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड? सिंपल वे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब होता है व्हेन द अमाउंट प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स एंड प्रेजेंटली इट विल बी रिसीव्ड, इट इज टर्म्ड एज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। व्हाट इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड? जैसे कोई ऐसा पैसा है, जैसे आपने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया, उसने उस 1 लाख रुपए में से 50,000 आपको दे दिया, 50,000 नहीं दिया, तो 50,000 मिल गया, 50,000 नहीं मिला तो बैड डेब्ट्स कितना हुआ? 50,000। सर 50,000 तो हमें मिल गया था, तो जो 50,000 नहीं मिला, हो सकता है वो 50,000 आपको कुछ समय बाद, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद वो पैसा आपको मिल जाए, यानी कोई ऐसा मनी जिसे आपने पास्ट में बैड डेब्ट्स की तरह ट्रीट कर लिया था, बट आफ्टर सम टाइम ये पैसा आपको फिर से मिल गया, सो इट विल बी नोन एज द बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके, सो व्हाट इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इज अ सिचुएशन व्हेन यू रिसीव द मनी विच आर पार्सली राइटिंग ऑफ टू द कंपनी। ओके ओके, सो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब इसकी एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज अभी मिस्टर राम की बात आ रही थी, मिस्टर राम ने कितना बैड डेब्ट्स किया था? 40,000, यानी हमने उसे पास्ट में मान लिया कि वो मेरा बैड डेब्ट्स है, लेकिन मिस्टर राम इज अ गुड ह्यूमन बींग, उसने आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर सम टाइम्स उसने मुझे वो उसमें से 40,000 में से 30,000 या 20,000 मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है? सो इट विल बी नोन एज द कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जितना वो रिकवर्ड, जितना वो मुझे रिटर्न करेगा, द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितना? 10,000। 10,000 रिकवर्ड किया, 20 दिया तो 20, 20, जो इतना भी पैसा वो मुझे रिटर्न करेगा बैड डेब्ट्स के अगेंस्ट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की तरह ट्रीट करेंगे। द नेक्स्ट विल बी इफ वी आर पेड, नंबर थर्ड स्पेसिफिक जनरल एंट्री इज डेप्रिशिएशन। व्हाट इज डेप्रिशिएशन?
इन सिंपल वे वी कैन से दैट डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, यानी कि किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो भी डिक्रीजमेंट आता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, यानी किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो भी डिक्रीजमेंट आता है, इट विल बी नोन एज द डेप्रिशिएशन. जैसे सपोज आप बिल्डिंग यूज कर रहे हो, प्लांट यूज कर रहे हो, तो यू नो वेरी वेल आप जब उस सारी वैल्यू चीजों को यूज करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उसकी वैल्यू घटेगी. जैसे आपने मोटर कार खरीदी, 15 लाख रुपए की कार खरीदी, तो क्या कार यूज करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी? नहीं सर, वैल्यू उसकी घटेगी. सो जनरली फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डिक्लाइन होती है, एंड दिस विल बी नोन एज द डेप्रिशिएशन. और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? द एंट्री ऑफ द डेप्रिशिएशन विल बी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स. और सिंपल सा इसका है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मोटर कार 15 लाख रुपीज की थी, आपने उस पर क्या किया, 10% डेप्रिशिएशन चार्ज कर दिया. तो 15 लाख का 10% कितना हुआ, 1,50,000. सो एंट्री विल बी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, टू कार 1,50,000, 1,50,000, सिंपल एंट्री. ओके, द नेक्स्ट स्पेसिफिक जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा. सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एलिमेंट है? देखो बेसिकली होता क्या है कि व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट द मनी इन द इन इट्स ओन बिजनेस, इट इज नोन एज द कैपिटल. यू नो वेरी वेल, अगर आपने कोई बिजनेस ओपन करोगे तो आप बिजनेस में क्या लगाओगे? कैपिटल लगाओगे, पैसा लगाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल. तो बिजनेस क्या करता है? अपने ओनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है. बिजनेस क्या करता है? अपने ओनर को उसके कैपिटल, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उस पर क्या देता है? इंटरेस्ट देता है. इट विल बी नोन एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इट इज फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, क्योंकि यू नो वेरी वेल सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट से ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है. बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं, विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग कहते हैं. सो जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल पे कंपनी उसको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है. और अगर वही पैसा वो विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग करता है, तो उससे चार्ज क्या किया जाता है? ड्रॉइंग. दैट इज नोन एज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, बट उस ओनर के लिए क्या होती है? इनकम होती. उसी तरह से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर ओनर ने पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग. और उस पर उसको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है. यानी हम अगर ओनर हैं, अपने ही बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाएंगे तो बिजनेस हमको क्या देगा? मेरा ही बिजनेस मुझे उस कैपिटल पे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा. इट इज नोन एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और अगर हम अपने ही बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, सपोज ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो उसके बदले मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा. दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है कि वेन कंपनी वेन फर्म अलाउड इंटरेस्ट ऑन द प्रोप्राइटर्स कैपिटल, इट इज नोन एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री बहुत ही सिंपल है. दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. और जनरली जर्नल एंट्री में जब ये सारी चीजें आती हैं तो परसेंटेज में आती है कि प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 1 लाख. तो 1 लाख कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा. द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अभी मैंने इसको बहुत ही क्लियरली समझा दिया था व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. यू नो वेरी वेल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब होता है अगर ओनर बिजनेस का अपने पर्सनल पर्पज के लिए पैसा निकालता है तो इट विल बी नोन एज द ड्रॉइंग. और उसके बदले उसे फर्म को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है. उसे क्या देना पड़ता है? ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल है. इसकी एंट्री होती है दैट इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ओके,
नेक्स्ट वन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? एक्सपेंस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, सिंपल वे वी कैन से दैट व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, यानी कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू तो हो चुका है बट अभी पे नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, यू नो वेरी वेल, अगर हम कोई कोई काम करते हैं और कोई सर्विस लेते हैं या कोई गुड्स परचेस करते हैं, हो सकता है हम ड्यू डेट तक उसका पेमेंट ना करें, तो वो हो जाता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी इट मीन्स व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? एनी एक्सपेंस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। तो सिचुएशन में जनरेटरी क्या होती है? इस सिचुएशन में जनरेटरी होती है दैट इज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे हमने रेंट नहीं पे किया, अभी पे नहीं किया, वो ड्यू हो गया है, तो एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। उसी तरह से नेक्स्ट वन, प्रीपेड एक्सपेंस, जस्ट अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस विच आर नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। कोई भी एक्सपेंस जो ड्यू नहीं हुआ है लेकिन हमने उसे एडवांस में पे कर दिया है, इसीलिए नाम आपके सिम का नाम होता है ना पोस्ट पेड प्रीपेड। पोस्ट पेड में क्या होता था, पहले हम लोग सर्विस लेते हैं, फिर बाद में बिल आता है, फिर उसको पे करते हैं। लेकिन प्रीपेड में क्या होता है, पहले रिचार्ज करते हैं फिर बात करते हैं। तो प्रीपेड का मतलब क्या है, कोई भी एक्सपेंस जो करने से पहले आप उसको पे करते हैं। जैसे आप डिश टीवी को एंजॉय करने के लिए पहले से उसको पे करते हो, तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है कोई भी एक्सपेंस जो अभी आपके ड्यू नहीं हुआ है लेकिन आपने उसको ऑलरेडी पहले से पे कर दिया है। तो सिचुएशन में यहां पे क्या था, ड्यू हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, यहां ड्यू नहीं हुआ लेकिन आपने पे कर दिया। अपोजिट, यहां ड्यू हुआ था लेकिन पे नहीं किया, यहां ड्यू नहीं हुआ था लेकिन आपने पे कर दिया, जस्ट अपोजिट। तो यहां पे भी अपोजिट एंट्री पास होगी, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। ओके, सो दिस इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। द नेक्स्ट वन इज आफ्टर द प्रीपेड एक्सपेंस इज एक्रूड इनकम। द नेक्स्ट वन इज एक्रूड इनकम। व्हाट इज एक्रूड इनकम? सिंपल वे, एक्रूड इनकम, अब एक्सपेंस की बात कर रहे थे, एक एक्सपेंस ऐसा था जो ड्यू हो गया हमने पे नहीं किया, एक एक्सपेंस की बात किया जो ड्यू नहीं हुआ लेकिन हमने पे कर दिया। अब इनकम की बात कर रहे हैं, एक ऐसी इनकम जो मिली नहीं है लेकिन हमने कमा ली है। अब ये कहोगे ये कौन सी इनकम होती है सर, जो आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं? जैसे मैंने किसी के आप ही को 1 महीना ट्यूशन पढ़ा दिया, आपको 1 महीना मैंने आपको स्कूल में पढ़ा दिया, लेकिन स्कूल वाले ने भाई मुझे सैलरी नहीं दी, तो 1 महीने तक मैंने अपनी सर्विस दी है, इनकम मैंने अर्न तो कर ली है लेकिन वो इनकम अभी मुझे रिसीव नहीं हुई। यानी एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, एनी इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन कैश। सो व्हाट इज एक्रूड इनकम? इनकम विच आर अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन कैश। मैंने सर्विस दे दी, इनकम अर्न कर ली, लेकिन वो इनकम अभी मेरी जेब में नहीं है, मैं भी सोच रहा हूँ इस दिन सैलरी आएगी, इस दिन सैलरी आएगी, वॉट एवर। सो ये एक्रूड इनकम होता है। इस सिचुएशन में जनरल एंट्री क्या होती है? इस सिचुएशन में एंट्री विल बी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब देखो एक्रूड इनकम का जस्ट अपोजिट होता है एडवांस इनकम।
या अनएक्रूड इनकम, ये क्या होती है सर ये बताइए। इसी का जस्ट अपोजिट होता है एडवांस इनकम या अन एक्रूड इनकम। सो व्हाट इज एडवांस इनकम, व्हाट इज अन एक्रूड इनकम? सिंपली वे हम ये कह सकते हैं कोई भी इनकम जो हमने कमाई नहीं है, मैंने अर्न नहीं किया लेकिन मुझे एडवांस मिल जाता है। जैसे अगर आप कोई काम करवाने जाते हो, कहीं भी काम करवाने जाते हो, तो वो कहता है एडवांस दे। जैसे आपके घर में किसी की शादी पड़ी, आपके घर में कोई फंक्शन पड़ा, तो आपने कैटरिंग वाले को, आपने डिफरेंस लॉन वाले को या डिफरेंट सर्विसेज वाले को कहा कि मेरे यहाँ इस डेट को ये फंक्शन है, मेरे यहाँ आपको काम करना है, तो बोला ठीक है हम काम कर देंगे, कुछ एडवांस दे दो। यानी अभी उसने काम तो नहीं किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अभी काम तो नहीं किया है, लेकिन उसको उसकी इनकम जनरेट नहीं हुई है, लेकिन उसको मैंने क्या दिया, एडवांस में पैसा दे दिया। सो इट इज नोन एज द एडवांस इनकम। सो व्हाट इज एडवांस इनकम? इनकम विच आर नॉट अर्न, क्या हो, हाँ, विच आर नॉट अर्न बट इनकम विच आर नॉट अर्न बट रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम जो अर्न नहीं किया गया है लेकिन वो एडवांस में रिसीव हो गया, यानी कोई इनकम जो कि हमने कमाया नहीं है लेकिन हमें मिल गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका भी जस्ट अपोजिट होगा, दैट इज एडवांस इनकम। इसकी जनरल एंट्री होगी दैट इज इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस। ओके, सो दिस इज द जर्नल एंट्री। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर डिस्कसिंग द स्पेसिफिक जर्नल एंट्री लाइक अ डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेप्रिशिएशन, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम एंड एक्रूड इनकम। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली एंड इन सबको स्पेसिफिकली डिस्कस किया। उसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। सो सिचुएशन में हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, यू कैन सी दैट इन दिस वीडियो। देयर आफ्टर लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। सोचने में बहुत टफ चीजें हैं, लगेगा बहुत बड़ी चीज है व्हाट इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बट अगर आप उसको करने बैठोगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। बेसिकली बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, एनी ट्रांजेक्शन विच आर ऑकर्ड विद द बैंक, कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम बैंक के साथ करते हैं विच इज नोन एज द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंक के साथ क्या करते हैं, बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं हम, मतलब बिजनेसमैन की बात करें, हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं और कॉमर्स में हम लोग जनरली किसकी बात करेंगे, बिजनेस के फील्ड की बात करेंगे। तो अगर हम बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्डिंग इन जनरल, हम जनरल में रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन किया, बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया, बैंक में अकाउंट ओपन किया, बैंक में पैसा जमा कर दिया, बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया, बैंक हमको चेक देता है, चेक किसी को चेक से पेमेंट कर दिया, किसी ने मुझे चेक से पेमेंट कर दिया, जो चेक मुझे मिला वो मैं जाकर बैंक में जमा कर दिया। देखो कितने सारे काम हम बैंक के साथ साथ करते हैं, तो सिचुएशन में हम क्या एंट्री पास करेंगे, उस सिचुएशन में हम कैसे उसको जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, लेट्स बी डिस्कस इट, लेट्स बी टॉकिंग अबाउट दी बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ओके, सो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में हम लोग कुछ चीजों पे डिस्कशन करेंगे। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ओपन बैंक अकाउंट। अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, सो यू नो वेरी वेल, बैंक में जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो एंट्री क्या होती है, द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं सीधे सीधे सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कोई ज्यादा डाउट होना नहीं चाहिए इन सारी चीजों पे।
अगर इफ यू ओपन अ बैंक अकाउंट सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. नंबर सेकेंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या एंट्री पास होती है? व्हेन वी डिपॉजिटेड द अमाउंट इनटू द बैंक सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. कहोगे सर दोनों सेम चीज है. यस, आप बैंक में अकाउंट खोलोगे तो फ्री में अकाउंट खोल दोगे. नहीं ना, आपको कुछ तो पैसा जमा करना पड़ेगा. अब आपके मन में क्या आएगा, सर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, उसके अकॉर्डिंग जीरो बैलेंस अगर बैंक अकाउंट खोलेंगे तो क्या होगा? उसमें भी यही एंट्री पास होगी, बट अमाउंट जीरो होगा, इसलिए एंट्री नहीं पास होगी. और आपको मैं सिंपली बात बताऊं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी बिजनेसमैन अकाउंट. हम लोग सेविंग अकाउंट, कभी देखा है कि हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो जनरल एंट्री पास करते हैं? कभी अपने पेरेंट्स को, कभी अपने ऐसे रिलेटिव्स को देखा है जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का है, जो बिजनेस नहीं करता है और बैंक में अकाउंट खोलता है फिर जाकर जनरल में रिकॉर्ड करता है? जनरल किसकी बारे में बात हो रहा है? यहाँ बिजनेसमैन की बात हो रही है. तो बिजनेसमैन कभी फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट नहीं खोलेगा. बिजनेसमैन हमेशा कैसा अकाउंट खोलेगा? करंट अकाउंट ओपन करेगा. तो बिजनेस यहाँ पे जो बैंक अकाउंट ओपन होने की बात आ रही है वो करंट अकाउंट ओपन होने की बात. तो बिजनेसमैन जब करंट अकाउंट ओपन करता है तो कुछ पैसा जमा करता है, फ्री में अकाउंट नहीं खुलता करंट अकाउंट. तो वहां पर एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. क्यों? क्योंकि हु इज द रिसीवर? बैंक. व्हाट गोज कैश? उसी तरह से सेम, जब हम बैंक में मान लो पैसा जमा करते हैं सो अगेन वी पास दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज हु इज द रिसीवर? बैंक. एंड व्हाट गोज कैश? नंबर थर्ड, बैंक में पैसा ही जमा करते रहेंगे? नहीं यार, पैसा निकालेंगे भी. अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक. ठीक, अगर क्वेश्चन में लिखा हो अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक या फिर लिखा हो अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दोनों बात सेम है, याद रखिएगा. यहां आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. इफ क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट दी अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक और अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, सेम थिंग. ठीक है, इसमें एंट्री क्या होगी? दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि सिचुएशन में कैश आएगा. एंड हु इज अ गिवर? सो द नेक्स्ट एंट्री विल विच आर रिलेटेड टू द अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक. सो जब हम अमाउंट विदड्रॉन करते हैं बैंक से सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. Okay, this is the next transaction. When we withdrawn the sum amount from the bank, so the entry will be cash account debit to bank. Because what comes? Cash. And who's the giver? Bank. The next entry, which are related to the banking transaction, it is a amount withdrawn from bank for personal use. It means when any businessman withdrawn the money, यानी जब वो पैसा withdraw करता है कहाँ से? Bank से. वो भी किस लिए? For the personal use. So it will be known as the drawing. You know very well. So the entry will be drawing account debit to bank. Because who's a giver? Bank. And you know very well when we withdrawn the amount for the personal use, so the entry will be drawing account debit to bank. Now we are talking about the sum of the specific payment, like a payment by a check. So if we receive the payment by check, when payment received by check, so agar hum koi payment receive karte hain through check, so the entry will be checks in hand account debit to giver. Jo giver hota hai uska naam, just suppose we receive a check from Ram, so the entry will be checks in hand account debit to Ram. If we receive a check from the Shyam, so the entry will be checks in hand account debit to Shyam. Next, when we deposited the above check into bank, you know very well, check तो हम अपने पास रखते नहीं, check को कहाँ deposit करते हैं? Bank में. When deposited the above check into bank, so in this situation
जब हम चेक को बैंक में जमा कर सकते हैं, सो इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. सो द एंट्री विल बी चेक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक सेंड, बिकॉज इन दिस सिचुएशन हु इज अ रिसीवर? बैंक. एंड व्हाट गोज? चेक. बिकॉज जब चेक मिला सो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, एंड जब चेक को हमने जमा किया बैंक से सो इट विल बी नोन एज द बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक. इसमें एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ये है कि सपोज अगर हमने चेक रिसीव किया बैंक किसी के थ्रू, किसी ने मुझे चेक दिया, कोई पेमेंट किया अपना चेक से, और उसको मैंने सेम डे पर बैंक में जमा कर दिया, यानी इफ यू रिसीव अ चेक एंड सेम डे आई विल डिपॉजिटेड द चेक इन टू द बैंक, सो द फाइनल एंट्री विल बी द बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर. सो वहां चेक्स इन हैंड का कोई मतलब नहीं है. व्हेन वी डिपॉजिटेड द चेक ऑन सेम डे, इट मीन्स जब हम सेम डे चेक को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, सो इन दिस सिचुएशन द जर्नल एंट्री विल बैंक अकाउंट डेबिट टू गिव. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी पे एनी अमाउंट, पे एनी ड्यूज बाई चेक्स, यानी जब हम कोई भी ड्यू चेक के थ्रू पे करते हैं, ड्यू मतलब कोई हमें लाइबिलिटीज है या कोई एक्सपेंस है या एनी थिंग्स, यानी इफ वी पे द एक्सपेंसेस और ड्यू थ्रू द चेक, सो द एंट्री विल बी इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी रिसीवर अकाउंट डेबिट, जो उस चेक को रिसीव कर रहा है, ऑब्लिक कोई एक्सपेंस अगर हम पे कर रहे हैं, सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. यहां पर आपको चेक्स इन हैंड का यूज नहीं करना है. सो बेसिकली अगर हम कोई ड्यूज या किसी को कोई पेमेंट कर रहे हैं थ्रू चेक या कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं थ्रू चेक, सो द एंट्री विल बी रिसीवर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक. सपोज अगर हमने रेंट चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया, रेंट पे करना था, हमने चेक काट के दे दिया, सो इन दिस सिचुएशन द एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो दीज आर द स्पेसिफिक एंट्री विच आर रिलेटेड टू द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एंड आई होप टूडे वी क्लियर ऑल द डाउट्स वेरी इजली, ऑल द टॉपिक्स वेरी इजली. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर.